आज के इस वीडियो में हम लोग इज़ एम आर का यूज़ देखेंगे कि इज़ एम आर का यूज़ इंग्लिश में किस तरीके से किया जाता है यूज़ ऑफ़ इज़ एम आर इसका मीनिंग है या हो होता है और एम का मतलब हूँ होता है और आर का मतलब हैं या हो होता है जब वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो ये सब क्या होती हैं अभी आपको समझ में आने वाली है तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको समझने के लिए इसके यूज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले पर्सन को समझना होगा कि पर्सन क्या होते हैं पर्सन मतलब होता है शख्स व्यक्ति तो हर एक लैंग्वेज में पर्सन तीन तरह के होते हैं चाहे वो हिंदी की बात करें चाहे उर्दू की चाहे इंग्लिश की तो इंग्लिश में पर्सन तीन तरह के होते हैं एक फ़र्स्ट पर्सन एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा हो जो बोल रहा हो उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं और जिससे बात की जा रही है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं और जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम थर्ड पर्सन कहेंगे फर्स्ट पर्सन जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकेंड पर्सन हैं और किसके बारे में बात कर रहा हूँ इंग्लिश के बारे में तो इंग्लिश क्या है हमारा यहाँ पर थर्ड पर्सन है फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है सेकंड पर्सन में यू आता है और इसके अलावा जितने भी हैं सारे थर्ड पर्सन की गिनती में आएंगे आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है यानी एक है और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है और बाकी इसके अलावा जितने भी हैं ही शी इट दे नेम या नेम्स एक नाम हो या एक से ज़्यादा नाम हो वो सारे थर्ड पर्सन होंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमारा था आई आई का मतलब होता है मैं तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा यानी जो वर्ब यूज़ होगा जो ऊपर में जैसे इस किसके साथ यूज़ होगा एम किसके साथ यूज़ होगा आर किसके साथ यूज़ होगा वो यहाँ पर नीचे बताया जा रहा है तो एम जो यूज़ होगा वो आई के साथ होगा आई का मतलब क्या होता है मैं आई का मतलब मैं तो एम जो यूज़ होगा वो आई के साथ होगा आर जो यूज़ होगा वी के साथ होगा और उसके बाद यू के साथ होगा चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो फिर यू के साथ यानी प्लूरल है तब भी आर लगेगा सिंगुलर है तब भी आर लगेगा जैसे कहना है यू आर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर यू के साथ आर ही लगेगा और जब कहना है कि यू आर अ स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट की बात करनी है तब भी आर ही लगाना है आगे ही शी इट या कोई एक नाम रहे उसके साथ इज लगेगा दे यानी वे लोग और नेम्स यानी एक से ज़्यादा नाम रहे जैसे राम एंड श्याम उसके साथ आर लगेगा बेसिकली तो हम लोगों ने देखा कि आई के साथ एम लगेगा और वी के साथ यू के साथ और दे के साथ आर लगेगा और उसके बाद ही शी इट या कोई एक नाम हो तो उसके साथ इज लगेगा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रोनाउन है यानी कुछ वर्ड्स हैं जो इसमें बार बार इस्तेमाल होंगे उसका क्या मीनिंग है मैं मैं के लिए इंग्लिश में हम कहते हैं आई मैं आई मैं के लिए आई हम या हम लोग हम या हम लोग के लिए हम कहते हैं वी हम या हम लोग के लिए कहेंगे वी एक वर्ड मैं यहाँ पर लेता हूँ स्टूडेंट ठीक है इसको इसके ज़रिए से हम इसको समझेंगे तो मैं के लिए आई मैं के लिए आई हम या हम लोग के लिए वी तुम या तुम लोग या तू या आप या आप लोग यानी तुम या तुम लोग तू तु या आप या आप लोग इस सब के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है यू वह जब एक मेल के बारे में बात हो यानी एक लड़के के बारे में बात हो कि जैसे अगर कहना है कि वो एक स्टूडेंट है और हम कहना चाह रहे हैं कि वो एक लड़का है तब वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ही ही यानी वो एक लड़का है या वो जो लड़का है वो स्टूडेंट है तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा ही वो के लिए शी भी इस्तेमाल होता है पर जब एक लड़की के बारे में बात हो कहना है कि वो स्टूडेंट है और वो एक लड़की हो तब वहाँ पर शी कहेंगे और वे या वे लोग के लिए हम इस्तेमाल कहते हैं दे यानी यही चीज़ अगर प्लूरल हो जाए जब हमको कहना है कि वो सब स्टूडेंट हैं या वो सब स्टूडेंट हैं तब हम इस्तेमाल करेंगे दे तो आई के साथ बताया मैंने कि आई के साथ एम लगेगा आई एम आई एम आई स्टूडेंट बी सी को कहना है कि वी वी के साथ आर लगता है तो वी आर वी आर स्टूडेंट्स फिर यहाँ पर यह प्लूरल हो जाएगा क्योंकि वी एक से ज़्यादा है वी आर स्टूडेंट्स तुम एक स्टूडेंट हो तो यू और यू के साथ आर लगता है बताया गया कि चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसके लिए यू ही इस्तेमाल होता है और यू के साथ आर लगता है यू आर आ स्टूडेंट और कहना है कि आप एक स्टूडेंट है तो यू आर आ स्टूडेंट आप लोग स्टूडेंट हैं यू आर स्टूडेंट्स या तुम लोग स्टूडेंट हो यू आर स्टूडेंट्स जब कहना है कि वो एक स्टूडेंट है और एक लड़के के बारे में कहना है तो ही इज़ आई स्टूडेंट जब कहना है कि वो एक स्टूडेंट है बट वो एक लड़की है, तो हम कहेंगे शी इज़ आई स्टूडेंट जब कहना है कि वो सब स्टूडेंट है, यानी एक से ज़्यादा के बारे में कहना हो कि वो सब स्टूडेंट है तब हम क्या कहेंगे दे और दे के साथ क्या लगता है आर दे स्टूडेंट्स तो सब्जेक्ट यानी करने वाला या जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट यहाँ पर था आई उसके बाद इज़ एम आर में से कोई एक लगाना है तो आई के साथ एम लगता है इसलिए यहाँ पर एम लगा आई एम और अच्छा को क्या कहते हैं गुड यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है उसके बाद इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट को देख कर इसका डिसाइड करना है और उसके बाद जो बाकी पोर्शन रहेगा उसे हम लगा देंगे फिर यहाँ पर अगर कहना है कि तुम अच्छे हो तो सबसे पहले यू यू के साथ इज़ नहीं लगता एम नहीं लगता तो आर लगता है यू आर गुड उसके बाद कहना है कि अगर हम अच्छे हैं तो यहाँ पर बस क्या कह देना है वी वी के साथ क्या आर लगता है आर लगता है वी आर गुड उसके बाद अगर किसी एक पर्सन सिंगुलर के बारे में कहना है एक के बारे में कहना है कि वो अच्छा है तो हम क्या कहते हैं वो को ही और ही के साथ क्या लगेगा इज़ ही इज़ गुड अब यहीं पर अगर नेगेटिव हो जाए सेंटेंस तो फॉर्मूला वही रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट फिर आर और नॉट लगा देंगे तीसरे नंबर पर और उसके बाद जो चीज़ें बाकी रहेंगी उसको ट्रांसलेट कर देंगे सबसे पहले जैसे यहाँ पर था कि मैं अच्छा हूँ और कहना है कि मैं अच्छा नहीं हूँ तो मैं के लिए आई हूँ के लिए एम और तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है नॉट आई एम नॉट गुड ठीक है इस तरीके से फिर आप कह सकते हैं यू आर नॉट गुड वी आर नॉट गुड ही इज़ नॉट गुड तो इस तरीके से इस एमार को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं अब प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी इसी के बेस पर तो पहला सेंटेंस है यहाँ पर मैं खुश हूँ तो खुश को कहते हैं हैप्पी या ग्लैड तो मैं के लिए कहेंगे आई और हूँ के लिए एम आई एम ग्लैड मैं स्वस्थ हूँ तो आई आई के साथ एम लगेगा आई एम हेल्थी वो मोटा है तो वो के लिए होगा ही और मोटा के लिए फैट और ही के साथ क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज ही इज़ फैट वो मोटी है तो अब यहाँ पर एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है तो ही नहीं बल्कि शी लगाएंगे शी और शी के साथ क्या लगता है इज शी इज़ फैट वो दुबला है तो वो एक लड़का है तो ही और ही के साथ लगता है इज़ ही इज़ थिन वो दुबली है एक लड़की है तो शी शी और शी के साथ क्या लगता है इज़ शी इज थ मोहन डरपोक है तो डरपोक को टिमिट कहते हैं मोहन और एक नाम है तो एक नाम के साथ क्या लगता है इज मोहन इज थिमेड यहाँ पर अगर दो नाम रहे मोहन एंड सोहन तो फिर यहाँ पर इज नहीं आर लगेगा मोहन एंड सोहन आर टिमिट तुम एक नौकर हो तो तुमको क्या कहते हैं यू और यू के साथ लगता है आर यू आसर्वेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा असर्वेंट यानी एक के बारे में बताना हो तो सवेंट नहीं तो यहाँ पर अगर एक से ज्यादा हो तो यू आर सवेंट्स वे लोग किसान हैं तो वे लोग को हम कहते हैं दे दे, और दे के साथ लगता है आर दे फार्मर्स मैं एक शिक्षक हूँ यानी टीचर हूँ आई आई के साथ क्या लगेगा एम आई एम अ टीचर आई एम अ टीचर यहाँ पर आ भी लिखें. इसे अ पढ़ेंगे ठीक है अ पढ़ेंगे जब ये ये बीच में आए तो इसे अ पढ़ना है आई एम अ टीचर मैं डरपोक नहीं हूँ तो आई एम नॉट टिमिड आई एम नॉट टिमिड हम लोग तैयार नहीं हैं तो हम लोग को क्या कहेंगे वी और हैं के लिए आर और नहीं के लिए नॉट वी आर नॉट रेडी मैं बहरा नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ आई एम नॉट मैं नहीं हूँ बहरा को क्या कहेंगे डीफ आई एम नॉट डीफ वो आशावादी है वो आशावादी यानी हर चीज़ में